रेवाड़ी शहर से सटे गांव हजारीवास में आज सोमवार की देर शाम बाइक पर आए दो बदमाशों ने एक छात्र को गोली मार दी। कंधे में गोली लगने से छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को परिजनों ने शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। रामपुरा थाना पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस के अनुसार गांव हजारीवास निवासी 17 वर्षीय प्रिंस गांव बूढ़पुर के राजकीय स्कूल में 12वीं कक्षा का छात्र है। सोमवार की देर शाम वह गांव के ही निकट 3-4 दोस्तों के साथ टहल रहा था। इसी दौरान बाइक पर आए दो बदमाशों ने प्रिंस पर पिस्तौल से गोली चला दी। कंधे में गोली लगने से प्रिंस गंभीर रूप से घायल हो गया। वारदात के बाद दोनों बदमाश फरार हो गए। सूचना के बाद रामपुरा थाना पुलिस व परिजन मौके पर पहुंचे और घायल को उपचार के लिए शहर के ट्रामा सेंटर ले गए, जहां से चिकित्सकों ने उसे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। परिजनों ने घायल को शहर के एक निजी अस्पताल में ही भर्ती करवाया। गोली मारने वाले दोनों युवक गांव गोकलगढ़ के रहने वाले बताए जा रहे हैं। फिलहाल रामपुरा थाना पुलिस ने शिकायत पर जांच शुरू कर दी और आरोपियों की तलाश की जा रही है। कुलदीप सर, कुलदीप कैसे क्या ये गोली चली जो? सर मैं और मेरा भाई अम्पलोट से अपने घर की तरफ आ रहे थे, दो बाइक सवार आए और उन्होंने हमारी कहा सुनी हुई, उन्होंने एक लड़के ने जो है उसने गोली चला दी और दोनों मौके से फरार हो गए। कहाँ गोली लगी उसके? यहाँ कंधे पे लगी। तो कितनी देर बाद पुलिस आई, क्या कुछ कंडीशन? पुलिस तो सर वहीं जब ही आ गई थी, 112 कॉल कर। तो कंडीशन ठीक है बच्चे की? हाँ अभी ठीक बता रहे डॉक्टर साहब। गोली वाला मामला था, क्या कुछ हालत है बच्चे? हमारे पास एक प्रिंस नाम का बच्चा है जो कि 17 साल का है और हजारीवास का रहने वाला है। वो हमारे पास गन शॉट इंजरी के साथ आया है, जिसके कंधे पर गोली लगी है, राइट कंधे पर, और गोली जो है उसके कंधे से आर पार हो गई। फिलहाल तो मरीज़ की कंडीशन ठीक लग रही है, बाकी हम और जाँचें CTVT करा के एक बार कंफर्म करेंगे कि कहीं बच्चे को ज़्यादा हानि तो नहीं हुई है, लेकिन अभी की फ़िलहाल की हालत को देखते हुए लगता है कि पेशेंट की कंडीशन स्थिर है।